तो ये हमने एक गलत टर्न ले लिया है। तो ड्राइवर साहब अभी सो रहे हैं और हम वेट कर रहे हैं इनका, इनकी थकान मिटे तो हम आगे बढ़े। ये हम खाने पीने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं देखो। हाय फ्रेंड्स, मैं प्रीति और ट्रिप टाइप चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो अगस्त का महीना चल रहा है और अभी धूप निकली पर हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी थोड़ी देर पहले, और अभी हम लोग निकल चुके हैं कुडाल की तरफ। आज हम लोग जा रहे हैं होटल हिल रूफ, वहाँ पे फूड व्लॉग शूट करने के लिए। तो मैं आपको कुछ दिखाऊंगी इसमें दिलचस्प किस्से, कुछ BTS और हमारा कुडाल तक का सफ़र, तो बने रहिए मेरे साथ। और अभी हम लोग ओसर गाँव पहुँच गए हैं। तो ये है ओसर गाँव लेक, ये है ओसर गाँव का टोल नाका, और ये आज भी बंद है। ये देखो मस्त वेदर हो रखा है, पहाड़ियाँ ऊपर, बादल और धूप खिली हुई है। हम जा रहे हैं फूड व्लॉग शूट करने, उसके पहले राहुल दे रहा है बेशुमार गालियाँ, नहीं मुझे नहीं, ये दे रहा है रास्ते में आने जाने वालों को, इसलिए दे रहा है क्योंकि ये लोग ट्रैफिक रूल तोड़ रहे हैं, मतलब ट्रैफिक रूल भी नहीं, राहुल के रूल तोड़ रहे हैं, ये उसको ओवरटेक कर रहे हैं और इसे अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी। 7 किलोमीटर का व्यास बस। अभी हम कुडाल पहुंच गए हैं और जस्ट बारिश हो गई है, यहाँ पे रास्ते गीले गीले से हैं। और ये पावसी गांव के आगे पहुंचे हम, और यहाँ पे एकदम धूप है, यहाँ पे बिल्कुल भी बारिश नहीं है। हाईवे से उतरने के बाद हमें शायद 3 किलोमीटर और जाना है अंदर, इधर ही टर्न लेना है ना अपने को। क्या बात कर, वो जो आगे वाला राइट है देख एक बार, देखते हो इसके आगे जो आएगा ना, मतलब शायद वही है, गूगल मैया बोलो कुछ। हाँ पक्का, 260 मीटर पे, हाँ 260 मीटर पे अपने को राइट टर्न लेना है, 210 मीटर पे, हाँ वही है, ये आगे आते ही देखो दिखेगा। अभी पहुँच गए अपन ऑलमोस्ट, अभी NH66 से उतर जाएंगे नीचे और अंदर फिर अपने को करीब 2.5 किलोमीटर चलना है। हाँ ये वाला टर्न है और राइट साइड। इसी रोड पर रहना है अभी अपने को करीब 900 मीटर तक, कुडाल वेंगुर्ला रोड की तरफ चलना है। अच्छा आगे नहीं गए सीधा, कुडाल वेंगुर्ला रोड ये स्ट्रेट है सामने, स्ट्रेट हाँ। नहीं नहीं सामने सामने एकदम, ये इस रोड पे होटल पे आते वो नहीं ना, नहीं नहीं उधर नहीं जाना है, 800 मीटर तक सीधा चलना है फिर राइट साइड एक टर्न आएगा। ये अपन है मालवन रोड पे, इसी रोड पे क्या? इसी रोड पे एक टर्न है, अभी राइट साइड आएगा ये क्या? हाँ ये वाला, यस। और अब 300 मीटर पे अपने को मिलेगा वो रेस्टोरेंट। हिलरूफ रेस्टोरेंट कुछ है खाली, तो ये हमने एक गलत टर्न ले लिया है, थोड़ा सा आगे जाके हमें एक टर्न लेना है और पहुंच जाएंगे, लेफ्ट साइड लेना है, और रास्ते सारे ऐसे ही कोकन के, ये बहुत ही नैरो रोड है। और ये कोई वाड़ी है, टू नैरो रोड, 110 मीटर पर टर्न लेफ्ट। ये हम खाने पीने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं देखो। हिल रूफ है ना, हिल रूफ रेस्टोरेंट पुढे आदून चाल। ये देखो एडवेंचर राइडिंग फॉर फूड, हो चालेल चालेल, अभी आधा किलोमीटर है यहाँ से, ये दिखा हाँ ठीक है, आराम से चला तू गाड़ी। ये जो बाइक वाले भैया जा रहे हैं, ये हमें पहुँचा रहे हिल रूफ तक, ये हमारे आज के नेविगेटर है, ये भैया काफी अच्छे हैं,
रुक रहे हमारे लिए जगह जगह। अभी तो 100 किलोमीटर नहीं सॉरी 100 मीटर और आगे आ गया वो लिखा हुआ हिल रूफ। इधर ले ले पार्किंग होगा शायद, इधर गाड़ी पार्क करने के लिए इधर। हाँ थैंक यू। तो ये हम लोग पहुंच गए हैं हिल रूफ। क्रैब फ्राई मून मिलते तो राहुल का व्लॉग शूट कर रहे हैं, इसका ऑलमोस्ट नॉनवेज आइटम चल रहा है। इसके बीच में मेरे लिए आया है पनीर पपड़ी, मैं खाने वाली हूँ हरी चटनी के साथ। मस्त, तो डिफरेंट है, यूनिक है, पहली बार मैंने खाया ऐसा कुछ। ये पनीर पपड़ी है और इसके ऊपर जो कोटिंग है वो पापड़ से, पापड़ के चूरे किए हुए हैं, तो ये बहुत यूनिक फ्लेवर आ रहा है इसका। लाइट चली गई है, हम लोग वेट कर रहे हैं लाइट आने का। पर ये लड़का खाना खाना बंद नहीं कर रहा है। यहाँ पे लाइट चली गई है तो हमने होल्ड किया था थोड़ी देर के लिए शूट। ये हालत है अभी, ये बेड लाइटिंग की वजह से हम लोग शूट नहीं कर पा रहे हैं। काफी देर तक लाइट नहीं आई तो मैंने और राहुल ने डिसाइड किया कि अब पैकअप कर लेते हैं। तो हम दोनों ने अपना खाना फिनिश किया। मैंने खाने में ऑर्डर किया था रोटी और वेज कोल्हापुरी जो कि काफी यमी था। और कैसा लग रहा है खाना खाके? थक गई है? तो हम लोग अभी फूड व्लॉग शूट करके आ चुके हैं हाईवे पे। हमारा पूरा व्लॉग शूट हो चुका है, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई थी कि वहाँ पे लाइट चली गई थी तो पीछे का जो पार्ट है जो कि मेरा खाने का था और डेजर्ट था वो सारा रह गया था। तो डेजर्ट तो हम साथ में लेके आ गए हैं और ये है एक पुर्तगाली डिश है जिसका नाम है सारा डूरा और ये एकदम क्रीमी है, ऑलमोस्ट कैरेमल कस्टर्ड जैसी लग रही है। तो ये हम लोग लेके आए साथ में। क्रीमी है और थोड़ी थोड़ी कैरेमल कस्टर्ड जैसी, लेकिन एकदम वैसी नहीं है, वो मुंह में जाती मेल्ट हो जाती वैसी नहीं। तो इसके अंदर इन्होंने मिलाया है मारे बिस्किट के क्रश और क्रीम है। क्रीम इसका मेन बेस है और फिर इसमें मारे बिस्किट के क्रश मिला के बनाई है डिश और बहुत ही यमी है। और ये मैंने पहली बार खाई है, मुझे बहुत पसंद आई है। ये जो है सारा डूरा ये बहुत ही हैवी है और 2-3 बाइट के बाद ही पेट भर गया है। और ये बंदा है ये घर ले जा रहा मेरे को, पर ये पहले ककड़ी खा रहा है। आप ककड़ी क्यों खाते हैं खाना खाने के बाद? सलाद। तो सब लोग सलाद पहले खाते हैं, लेकिन जब ये फूड व्लॉग बनाने जाता है तो ये फूड व्लॉग पूरा करने के बाद रास्ते में सलाद खाता है। डिफरेंट पीपल डिफरेंट प्लेसेस। अ फ्यू मोमेंट्स लेटर। तो ड्राइवर साहब अभी सो रहे हैं और हम वेट कर रहे हैं इनका कि इनकी थकान मिटे तो हम आगे बढ़े। क्या क्या ड्राइवर साहब आगे बढ़े? 5 मिनट सोने दे। थक गए क्या खा खा के? हाँ यार। तो इस व्लॉग के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लविंग ट्रिप वाइब्स। I've been dreaming on in my head like I've seen it, a life worth